नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन या संगठनों की श्रृंखला। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे पिछले लेक्चर में आसियान के बारे में, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम लोग बे ऑफ बंगाल, बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्चुअल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्सटेक भी बोलते हैं, जिसका पूरा रूप होता है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीप देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है, ठीक है। बिम्सटेक की स्थापना हुई 6 जून 1997 में, बैंकॉक घोषणा के साथ हुई थी इसकी। इसकी स्थापना कब हुई? 6 जून 1997। मुख्यालय इसका ढाका, ठीक है, बांग्लादेश में है इसका। बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य सेतु का कार्य करता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु के रूप में ये कार्य करता है। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो 7 हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक। आगे बात करते हैं सहयोग के क्षेत्रों को। व्यापार एवं निवेश, परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, मत्स्य, आठवें मंत्री स्तरीय सहयोग में 7 नए क्षेत्र जोड़े गए, जो कृषि, जनसंख्या, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, लोगों के मध्य संपर्क और सांस्कृतिक सहयोग। आठवें सीनियर ऑफिशियल मीटिंग, ऑफिशियल्स मीटिंग में एक क्षेत्र और जोड़ा गया था, जलवायु परिवर्तन। 84वें बिम्सटेक सम्मेलन में 2 क्षेत्र जोड़े गए थे, माउंट इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। इसके सिद्धांत की बात कर लेते हैं, बिम्सटेक के सिद्धांत। बिम्सटेक के देशों में सहयोग का आधार संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और आपसी सम्मान। चलिए, तो ये था हमारा बिम्सटेक। अगले में बात करेंगे हम लोग FAO में, FAO के बारे में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है।